The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Again, welcome. Like we were talking about COVID, aaj hum COVID ke ek aur aspect ke bare mein baat karenge. And I am hoping you can hear me clearly. कोविड का एक एस्पेक्ट अब सामने आया है जिसे हम लॉन्ग कोविड कह रहे हैं, जो पेशेंट ने दिया हुआ टर्म है. लॉन्ग कोविड इट्स नॉट पोस्ट कोविड, इट इज अ लॉन्ग कोविड. नाउ व्हाट इज लॉन्ग कोविड? लॉन्ग कोविड इन उस सिम्टम्स को बोला जा रहा है जो कोविड हो जाने के बाद में भी परसिस्ट करते हैं, कई बार 1 से 3 महीने या कुछ लोगों में 12 महीने तक भी. सो ऐसे सिम्टम्स जो लंबे समय परसिस्ट करें वो लॉन्ग कोविड माने जाते हैं. और ये बहुत कॉमन है, ये हर उस मॉडरेट से सीवियर केस में देखे जाते हैं. मॉडरेट से सीवियर केसेस जिनके अंदर वायरस ने का कुछ ना कुछ डैमेज किया है, कहीं वैस्कुलाइटिस किया है, कहीं खून की नसों में क्लॉट बनाया है, कहीं लंग डैमेज किया है, कहीं पर हार्ट पे कुछ मायोआर्थराइटिस किया है, इन्फ्लामेशन के कुछ ना कुछ किया हो. तो इसलिए ये फेयरली कॉमन है. 10 में से 7 लोगों को मॉडरेट टू सीवियर केसेस में कोई ना कोई लॉन्ग कोविड वाला सिम्टम होगा. सो सवाल क्या है? सवाल ये है कि लॉन्ग कोविड में हमारे पास में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये लॉन्ग कोविड क्या चीज़ है. लॉन्ग कोविड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो देखी जा रही है कि मोस्ट कॉमन चीज़ तो आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है. तो फेफड़ों के सिम्टम्स सबसे कॉमन है, जैसे कि आपके खांसी, क्रोनिक खांसी. कई लोगों को लंबे समय तक खांसी रह रही है कोविड होने के बाद भी, कोविड के बाद जो परसिस्ट कर रही है. और कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को ब्रेथलेसनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है. सो वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और चलने फिरने पे और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाना, चक्कर आना, ये एक तरीके से लॉन्ग कोविड के सिम्टम मान लीजिए. दूसरा जो सिम्टम आ रहा है वो आ रहा है हार्ट का. जी हाँ, हार्ट के सिम्टम लॉन्ग कोविड में आ रहे हैं, जैसे कि हार्ट के सिम्टम क्या आ रहे हैं, जैसे कि चलने फिरने पे थोड़ा सा भी पोजीशन चेंज किया, सो पोजीशन के हिसाब से आपकी धड़कन बढ़ जाना, टैकीकार्डिया, राइट. सो टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाना लॉन्ग कोविड में एक है. कुछ केसेस में हार्ट पाल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, घबराहट, अनइजीनेस, चेस्ट पेन ये एसोसिएटेड है. और कुछ केस उसके अलावा कुछ केसेस जो हैं वो ब्रेन के भी आ रहे हैं, ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, चक्कर आना. सो ब्रेन के सिम्टम्स भी लॉन्ग कोविड में आते हैं. व्हाट, व्हाई आर दीज हैपनिंग? ये काफ़ी लोगों को हैं, इस पर रिसर्च भी हुई है, 4-5 हज़ार लोगों की रिसर्च. और इसके ऊपर टर्मिनोलॉजी चाहे लॉन्ग कोविड पेशेंट ने दिया हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी, पॉसिबल चीज़ है कि आगे चल के इसका एक टर्म बन जाए, कोविड के बाद होने वाले ऐसी बीमारियां. सो लॉन्ग कोविड में जो किसको रिस्क ज़्यादा है? पीपल हु आर डायबिटिक, जिनकी ऑलरेडी पुरानी कोई सीरियस बीमारी चल रही है, ऑलरेडी किसी प्रकार की क्रोनिक इलनेस है, उनको लॉन्ग कोविड कब तक रहेगा, कब तक रह सकता है? नाउ दिस कैन टेक, याद रखिए ये एक तरीके से रिकवरी टाइम है आपकी बॉडी का, डैमेज कंट्रोल. इट्स लाइक अ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर टाइप चीज है. जैसे हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टेक्स टाइम टू रिकवर. कुछ भी कर लो, ऑपरेशन भी करा लो, तो भी आप हड्डी के लिए जो 6 हफ्ते लगते हैं वो 6 हफ्ते लगते हैं, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना 6 तो लगना ही लगना है. तो वो 1.5 महीना प्लास्टर लगना है, कई बार 3 महीना पूरा पूरा ताकत आने को लगता है.
उसके बाद मसल्स लॉस हो जाती है वहाँ की, दिस यूज एट्रोफी, उसके बाद यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक टू अ नॉर्मल रूटीन लाइफ. सेम थिंग हैपन्स हियर, एक्सेप्ट दिस फ्रैक्चर इज इन योर लंग्स. योर लंग्स गेट फ्रैक्चर्ड, काइंड ऑफ डैमेज, दे आर हीलिंग, दे विल गेट फाइब्रोस्ट, दे विल गेट स्टिफ, दे विल गेट वीक. योर हार्ट माइट गेट टैकीकार्डिक, समथिंग कॉल इट पॉट्स इज देयर, पॉट्स, पोजिशनल टैकीकार्डिया, पोजिशनल टैकीकार्डिया, इट इज देयर. सो ये सारी चीज़ें आपके कारण बनती हैं लॉन्ग कोविड के, एंड ट्रीटमेंट इज ऑल बाय सपोर्टर, ऑल सपोर्टर. लंग वाले सिम्टम है, लंग को सपोर्ट करो, हार्ट वाले सिम्टम है, हार्ट के सपोर्ट करो. और हार्ट के लिए आपको आइवाब्रेडीन काम करता है इसमें, मतलब दैट इज द रिसर्च विच इज सीन फॉर पॉट्स एंड फॉर इवन बीटा ब्लॉकर्स हैं कुछ, जो नॉट ऑल बीटा ब्लॉकर्स, बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स कैन लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म. सो बीटा ब्लॉकर्स भी सोच के इस्तेमाल करने होते हैं, सोच समझ के. कई लोगों को एस्थमेटिक टेंडेंसीज आ जाती हैं कोविड के बाद, सो यू हैव टू सी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल पेशेंट एंड कस्टमाइज द ट्रीटमेंट सो दैट द ट्रीटमेंट रिकवरी इज बेस्ट. बट देन प्रॉपर केयर, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, गुड डाइट, अच्छी हाई प्रोटीन डाइट, अ लॉट ऑफ लिक्विड और अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग कोविड है या पोस्ट कोविड है, यू कैन हैव वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना चलने फिरने पे. यू कैन हैव पाल्पिटेशन, घबराहट, चक्कर आना, ब्रेन फॉग, कन्फ्यूजन. क्या था वो था, अच्छा, सो इट इज हेडेक. इवन आई एम गेटिंग हेडेक, आई डोंट नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ माई कोविड और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वी डोंट नो, बट हेडेक्स होते हैं. अभी भी मेरे को शाम से हेडेक था, सो मैं थोड़ा सा लेट गया था. सो आई जस्ट देर इज अ ईजी मेथड, देर इज ईजी मेथड होता है आपका, दवाई ले लो, एंटी एनाल्जेसिक्स ले लो, और देर आर दूसरा मेथड, नेचुरल मेथड, टेक रेस्ट, गिव योर ब्रेन अ रेस्ट, विच इट रीड नीडेड, विच इट नीड्स. सो दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, लॉन्ग कोविड क्या है. हेल्प योर सेल्फ बाय गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना अच्छा रहेगा. ऑलराइट, आई होप दिस पर्टिकुलर वेव ऑफ कोविड इज गोइंग अवे, इट इज गोइंग अवे, बट वी हैव टू बाउंस बैक. हमें अपना ख्याल रखना है सभी को. 20 डेज के बाद भी कई बार डी डाइमर सीआरपी बढ़ा हुआ आता है, और दैट माइट बी लाइक आई सेड सीआरपी आफ्टर फ्यू डेज, मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, और बॉडीज समटाइम्स कैन बी बिकॉज ऑफ ओवर एग्जर्शन. समटाइम्स अगर आप ओवर एग्जर्ट करते हैं पेशेंट को, तो दैट कैन कॉज अ रेज इन सीआरपी. बट डी डाइमर इज बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग इन साइड द ब्लड वेसल्स. सो डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो यू नीड ब्लड थिनर्स. और जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, डीएम्स किए हैं, व्हाट्सएप किया है, अगेन सॉरी, समझे, यू डोंट नो द सिचुएशंस वी आर इन, हॉस्पिटल में और घर पे. सो आई हैव गिवन अ प्रोसेस, अ प्रॉपर प्रोसेस टू गेट इन कॉन्टैक्ट विथ मी. 90% लोग ऑटोमेटिक जो रिप्लाई आता है उसको पढ़ते भी नहीं है, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि डॉक्टर खुद ही कॉल करेगा. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आर देयर, यू कैन नॉट कॉल एवरीबडी, यू कैन नॉट रीड एवरीबडीज मैसेजेस. सो प्लीज़ ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, उसको हमने कस्टमाइज प्रोसेस बनाया हुआ है, रीड द प्रोसेस. प्लीज़ हेल्प ईच अदर. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी. एनीबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टच विथ मी, यू हैव टू व्हाट्सएप ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7827570775. Take care. May God bless you all.